हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथी कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। तो आज हम बात करेंगे कि अगर लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट्स को एसाइटिस की कंडीशन आ रही है, मतलब जलोदर, या फिर आम भाषा में हम कह देते हैं कि आपके पेट में पानी भर रहा है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं या फिर आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानने की ज़रूरत है कि सिरोसिस क्या होता है। सो लीवर सिरोसिस एक कंडीशन आपकी लीवर में बन जाती है जब आपका लीवर की जो सेल्स है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाती है। सो लीवर सिरोसिस के बाद की जो स्टेजेस, जो कॉम्प्लिकेशन आती है, वो जलोदर आती है, मतलब पेट में पानी भरने लगता है, वाटर रिटेंशन होने लगता है। अब अगर किसी के पेट में पानी भरता है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को फेस करनी पड़ती है, जैसे कि पैरों में भी सूजन आने लगती है, पेट में इतनी दर्द होने लगती है कि पेशेंट को अगर कपड़ा भी टच हो जाता है तो उससे भी प्रॉब्लम होती है, टाइटनेस एब्डोमेन में फील होने लगती है, ब्लॉटिंग फील होती है, उनकी एपेटाइट कम हो जाती है। तो ये सारी जब कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को आ रही होती है तो बहुत डिफिकल्टी होती है कि जो हम डेली एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं वो भी नॉर्मली हम नहीं कर पाते, और कुछ केसेस में तो एसाइटिस की वजह से पेशेंट्स को हर्निया भी हो जाता है। अब जब आपके एब्डोमेन की मसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो मसल्स वीक होने की वजह से हर्निया हो जाता है, तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन आती है। अब लीवर सिरोसिस हुआ है, साथ में एसाइटिस हुआ है, तो जब बार बार आपके पेट में पानी भरता है तो यूजुअली आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपका वाटर ड्रेन कर दिया जाता है। अब पेशेंट्स इससे भी थक जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, तो इसीलिए हम कुछ ऐसे नेचुरल रेमेडीज़ या फिर कुछ ऐसा ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि नेचुरली हमारा विदाउट टैपिंग या फिर विदाउट ड्रेनिंग हमारा जो एसाइटिस है वो रिड्यूस हो जाए। तो ऐसे ही आप होम्योपैथिक मेडिसिन से अपने एसाइटिस को क्योर कर सकते हैं। आपका एसाइटिस कैसे क्योर होगा? होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि वाटर रिटेंशन को रिड्यूस करती है, जो आपकी बॉडी की, जो आपकी सेल्स की जो पावर होती है पानी को इकट्ठा करने की, उसको रिड्यूस करती है, और उसमें यूरिन ज़्यादा बनेगा और आपकी यूरिन का फ्लो ज़्यादा होगा, तो जो आपको स्वेलिंग है, पेट भरा भरा लग रहा है, उसमें आपको आराम महसूस होता है। तो अगर आप होम्योपैथिक अच्छे से शुरू करते हैं, लीवर सिरोसिस आपकी जितनी भी कंडीशन है, आपके जितने भी सिम्टम आ रहे हैं, आपका लीवर सिरोसिस क्यों शुरू हुआ है, एक फिजिशियन अगर उसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट शुरू करता है तो आपकी जो साइटिस वाली कंडीशन है वो काफ़ी हद तक आप क्योर कर सकते हो। और जो बार बार आपको पानी निकलवाने हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, वो आपको बार बार नहीं कराना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक इलाज से आप अपने साइटिस को क्योर कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और आप भी अपना इलाज शुरू कराएं, जिससे आपके साइटिस की जो कंडीशन जो आपको परेशान कर रही है उसमें आप आराम पाए। थैंक यू।